खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी और झांसी की रानी बनकर आ गई है अनुष्का। और अनुष्का बताए कि झांसी की रानी, ये झांसी की रानी क्या क्या करने वाली? बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि ऑलरेडी हमने जो भी सीन शूट किए हैं, घोड़ा चलाना है उसमें, स्वॉर्ड फाइटिंग है, फ्री हैंड फाइटिंग है, एंड उसके अलावा भी हम सोशल रिफॉर्मिस्ट पार्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं कि कैसे शादी के बाद उन्होंने जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, कैसे उन्होंने ये जो घर के अंदर की जो लड़ाई थी उन्होंने कैसे लड़ी, जो ह्यूमन साइड जो थी मणिकर्णिका की, वो बहुत कम लोगों को मालूम है। तो ये हमारा फोकस है और बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो मणिकर्णिका टू झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो वो कहेंगे वो जो जर्नी रहने वाला है, तो कितना आइडिया है उसका अनुष्का को? मुझे है क्योंकि हमने थोड़ा सा ब्रीफ लिया हुआ है ऑलरेडी, आप देख भी सकते हैं प्रोमो में थोड़ा सा वो थोड़ी सी झलक दी हुई है और आज तो मैं उस लुक में भी हूँ। तो मनु एक मतलब एक अंगरखा पहन के नॉर्मल सी लड़की, एक छोटे घर की लड़की, एंड अचानक उसका जो शादी फिक्स हो जाती है, एंड उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई की जो जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अचानक आप देखेंगे कि अचानक एक देर इज अ वेरिएशन दैट इज मतलब इतना अच्छा लगेगा आपको देखने में। तो और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि शादी के बाद थोड़ा सा वो वो उसमें आएगी कि हाँ नहीं ऐसे बात करना होगा, ऐसे बात करना होगा, क्योंकि शादी से पहले चीज़ एक पूरा ब्लंट होती है, वो कैसे भी कुछ भी किसी को भी बोल देती है, शादी के बाद भी वो ब्लंट ही रह जाती है, बट देन हाँ थोड़ा सा वो कंट्रोल करती है और बहुत दिमाग लगा के सब कुछ समझती है कि घर में ही इतने प्रॉब्लम्स हैं और जब उसके हस्बैंड ही नहीं उनकी बात माने तो ब्रिटिशर्स को कैसे लड़ेंगी। तो दैट्स अनुष्का ने कभी हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट था अनुष्का को? मैं सच बताऊं तो इतना नहीं था, पहले हिस्ट्री वाज जस्ट लाइक बिकॉज वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए था, इसे हमने पढ़ा था एंड अच्छा लगता था पढ़ने में क्योंकि आप जितनी की रानी के बारे में पढ़ा था इसे तो जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा था, पर आप देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई सबको पता है, मणिकर्णिका नाम किसी को पता नहीं होगा। तो ये जब मैंने पढ़ा था इट वाज वेरी मोटिवेटिंग, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, पर जब अब मैं कर रही हूँ बहुत इंस्पायरिंग एंड मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग। कितने चेंजेस आ गए खुद में? बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी, क्योंकि ये शो करने से पहले मैंने आपको भी बताया कि मैं पहले स्पोर्ट्स में एकदम नहीं थी, मुझे बहुत वो थोड़ी सी चोट लगती थी और मुझे लगता था कि अरे बाप रे क्या हो गया क्या हो गया, एंड स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं थी क्योंकि 8 साल से इंडस्ट्री में थी एंड चोट लगना बहुत बुरी बात होती थी क्योंकि फेस पर अगर लग गया, कुछ हो गया, हाथ वाथ कट गया, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो झांसी की रानी के बाद इज दिस मैसिव चेंज, इतना हुआ कि मेंटली मैं स्ट्रांग हुई हूँ, फिजिकली एंड देन चैलेंजेस लेने लगी हूँ, तो बहुत ज़्यादा चेंज है। कोई चीज़ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगी जो इतना स्वॉर्ड फाइटिंग और हॉर्स राइडिंग सीखने में हुआ है? था। तो मेरा पहला दिन घोड़ा चलाने का, आई वेंट जू बीच पे 6 बजे उठ के एंड बहुत अच्छा लगा कि वाह घोड़ा चलाऊंगी, तो सिर्फ वॉक करना सीखा था मैंने। सेकंड डे क्या हुआ कि घोड़ा लेके भाग गया, मतलब मेरे को चलाना नहीं आता था तभी, बट स्टिल आई वाज सिटिंग कि मैं नहीं गिरूंगी, कुछ भी हो जाए आई विल सिट, एंड आई वाज नॉट स्केयर्ड आल्सो, आई वाज नॉट पैनिकिंग, नॉट शाउटिंग एनीथिंग, आई वाज सिटिंग अच्छे से। बट वो बाहर चला गया तो रास्ते पे चला गया और फिर हमारी जो क्लिनलीनेस की प्रॉब्लम है, बॉटल फेंक दिया था किसी ने रास्ते पे एंड घोड़ा फुल आधा फ्लिप हो गया, सो आई फेल डाउन, तो थोड़ा चोट लगा था हाथ पैर में, बट देन आई डिडंट गेट स्केयर्ड आफ्टर दैट, आई इनफैक्ट थॉट कि यार नहीं घोड़ा तो डायरेक्शन नहीं समझेगा, आई हैव टू लर्न, एंड वो अलग एक मोटिवेशन मिल गया। मास्टर जी जो मेरे हैं, आई हैव टू हैट्स ऑफ टू हिम, बिकॉज उन्होंने जो मेरे में चेंज लाया है, जो मेंटली मुझे स्ट्रॉन्ग किया, मैं मॉम एंड डैड हैट्स ऑफ टू देम, बिकॉज मेंटली रात रात में उन्होंने मतलब एक रात में मुझे ऐसा कर दिया कि यार गिरे तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम, यू लर्न अगेन, एंड देन इन 2 डेज आई वॉज परफेक्ट, एंड 5th डे में आई वॉज लाइक गैलपिंग फुल, 10 डेज में आई वॉज रेडी। मतलब काफ़ी अच्छे चेंजेस आ गए हैं अब और भी ज़्यादा। लुक की बात करें, आज का जो लुक है वो क्यों है? और एक तो ये मेरा फेवरेट लुक है, हमारे इतने सारे लुक से ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें बहुत सारी ज्वेलरी है, आप देख सकते हैं ये साड़ी भी है, बहुत प्यारी सी साड़ी दी है, बहुत अच्छे से डिज़ाइन की है और कोल्हापुरी चप्पल भी है, और ये ज्वेलरी बहुत हैवी तो है ही ऑब्वियसली, कमर बंद है, ये चूड़ियाँ भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये ग्रीन ऑब्वियसली महाराष्ट्र में होता है कि शादी के बाद अलता भी बहुत प्यारा अलता लगाते हैं ये लोग, एंड अंगूठियाँ भी उन्होंने दी हैं मुझे उनके, आप देख सकते हैं एक एक अंगूठी की डिज़ाइन हो जाए बहुत प्रॉपरली की है। तो हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक्स, क्योंकि जो भी टीवी पर लोगों को लुक पसंद आ रहा है उनकी वजह से छोटे छोटे भी डिटेलिंग दी है उन्होंने, तो ये लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है वो ही ये, क्योंकि ये क्वीन का लुक है, अब सडनली आप देख सकते हैं कि ये सबकी शादी में नहीं होता है, सिर्फ क्वींस की शादी में होता है, तो मुझे आई रियली लाइक दिस लुक, इट्स माई फेवरेट। अच्छा,
ब्रेवरी की बात करें, मतलब झांसी की रानी और ब्रेवरी, तो अनुष्का कोई अपना एक कुछ बताए वाकया जो ब्रेवरी से रिलेटेड ऐसा कुछ कभी हुआ है? जी ऐसा हुआ है, मतलब मैं जब बालवीर भी करती थी तब भी क्योंकि वो फिक्शन शो था तो हार्नेस एंड क्रोमा एंड फिर जंगलों में दौड़ना भागना ऐसा होता था, तो ऐसे भी हुआ था। मैं बहुत छोटी थी तो जंगल में भागते भागते यू नो आई ट्रिप्ड एंड पूरा ऐसे गोल 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 ऐसे 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 गिरी थी एंड यू नो फिल्म सिटी इज ऐसे पूरा पहाड़ वाला रास्ता था, आई फेल डाउन, गॉट अ स्मॉल कट बट कुछ नहीं हुआ बिकॉज गॉड वॉज काइंड एंड नथिंग हैपेंड सो सीरियस। बट देन यू नो दिस इंसिडेंट्स दे नेवर स्केयर्ड मी, सो आई एम सेइंग कि जैसे वो घोड़े वाला भी इंसिडेंट हुआ एंड स्वॉर्ड फाइटिंग ऑल्सो, वी हैव हेल लॉट ऑफ सीन्स ऑफ बहुत सारी ज़्यादा सीन्स हैं हमारे स्वॉर्ड फाइटिंग और इसके, बट ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, यू नो दिस डिफरेंस दिस एक अलग अनुष्का सेन है जो ऑल टुगेदर आई वुड से, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दिस इज हमारी ओर से भी आपको ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू।